घर पे ये बैम्बू फिक्सिंग का काम चल रहा था। द बैंस आय हाय, मोटर नहीं बंद की किसी ने। देखो कितना पानी भरा, जाया हो गया। उफ, ये मोटर क्यों नहीं किसी ने बंद की, आय हाय। अच्छा एनीवेज, आई विल शो यू कि पहले जो है ये दीवारें कैसी लग रही थी। गार्डन पीछे कंप्लीट नहीं है, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो गमले हैं वो पता नहीं किस सदी में आएंगे। जिस गमले वाले को देती हूँ कि ये वाला पेंट करना है तो वो बीमार हो जाता है। 3 के साथ हो गया ये। तो ये पहले कैसे लग रहा था और ये द बैम्बूज अब कैसे लग रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये घर की, ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये विंडो ऐसी है। और जी, ये कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। ये अगर आप देखें तो ये गली भी कुछ ऐसी लग रही थी, कुछ ऐसा। और फिर अंदर से व्यू भी वैसा ही आएगा। वाह, ये चेक करें, ये मैंने बड़े ख़ास तरीके से लगवाया है। ये जब आप इसका ख्याल रखें, जब आप बैम्बूज इंस्टॉल कराएं, देखिए ये कितनी प्राइवेसी दे रहा है हमें कि पूरी जो वॉल है उसके ऊपर जो प्राइवेसी क्रिएट हो गई है, दैट्स वंडरफुल। डाइनिंग रूम और फिर उसके साथ ये व्यू। अरे भाई, ये फैशनेबल ना हुआ ना तो बस मेरा नाम बदल के रख देना, टकोजी बेगम। ड्राइवर भाई ने मतलब जिद पकड़ी हुई है कि जूते भी यहीं रखेंगे, पंखा भी अपना यहीं रखेंगे और हेलमेट। आ हा 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 हा, इस हेलमेट के बगैर तो मतलब ये जनरेटर कुछ भी नहीं है। ये जनरेटर मेरा बहुत ही प्यारा जनरेटर है, माशाल्लाह। मैंने कहा जब पाकिस्तान शिफ्ट करना है मैंने दुबई से, तो मेरा जनरेटर नंबर 1 क्वालिटी का होना चाहिए। ये वार्निश्ड बैम्बू है, वार्निश का फायदा पता क्या होता है, इसमें टर्माइट नहीं लगती। टर्माइट क्या होता है? कीड़े नहीं, क्या होते? कीड़े नहीं होते, दीमक होती, दीमक। इसपे कलर भी हो सकता था, वो रेड कलर होता, वो जी नहीं, शादी में कनाते तंबू लगते थे जो। ये वही वाले तंबू है जो इतने बुरे लगते हैं और हमारे वाले इतने खूबसूरत क्यों लग रहे हैं, क्या वजह है? पहले तो मैं इतना बता दूं, मैंने उनमें से कलर ही आते हैं, कलर उतरवाना पड़ता है, तो मिट्टी के तेल से उतरवाते हैं जी। धोते हैं इसको, पानी से धोते हैं, मिट्टी के तेल से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर इसको फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद फिर वार्निश करते हैं। बहुत खूबसूरत, उससे कलर अच्छा आया है। ये लाइट आ गई, ये लाइट चली गई, तो सारी तस्वीरों के लिए आइडियल। योगा नहीं, ये डांस है। But it's beautiful. Exercise कुछ भी हो, exercise करने वाली बहुत खूबसूरत लगेगी, ये मेरी गारंटी है। पतली हो, फिट हुए ना हो, लेकिन आपकी वीडियो और सेल्फीज बहुत हसीन आएंगी और इस जगह मजा भी बड़ा आएगा। और थोड़ा सा म्यूजिक भी ना वैसे ही लगा के करते हैं। और ये बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है। मेरी चाइम भी है, दिखाती हूँ कि ये जो यहाँ से इतनी खूबसूरत मेरी स्टाइलिश गली बनी है, ये गली अंदर से इसका व्यू कितना हसीन है। एंड व्हाट आई हैव डन इज कि बेडरूम में तो किया ही है, साथ में डाइनिंग रूम एज वेल एज किचन वॉल एंड एक बेडरूम है, यानी कि जो नीचे लोअर हमारा सारा फ्लोर है, उसकी हर खिड़की के बाहर हमने ये लुक क्रिएट किया। जैसे ये देखें,
अभी आई विल शो यू राइट नाउ। ये चेक करें इसमें हाउ ब्यूटिफुल इट्स लुकिंग। ये शाम के टाइम का अगर आप देखेंगे तो मंजर है। उफ, लिटिल थाईलैंड वाला इफेक्ट आ रहा है इसका। वाह, ये चेक करें कितनी थाईलैंड वाली फील आ रही है। ये जो बैम्बू से मैंने सेपरेशन क्रिएट की है, लुक एट दिस, उफ हसीन। और बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ मेक श्योर के यू सेलेक्ट द राइट बैम्बूज, और लगाने वाले भी ज़रा ठीक एक्सपर्ट हो ज़रा, क्योंकि ये स्ट्रेट लगने चाहिए। अब मुझे कर्टन्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो धूप से प्रोटेक्शन हो रही है, ऊपर से प्राइवेसी होगी। अब हम यहाँ बैठे हैं तो मैंने यहाँ कुछ 4 फुट की हाइट का जो है अबाउट 4 फीट हाई, और पूरी वॉल पे मैंने कराया है। पूरी वॉल का यहाँ से तो बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ एक्सपेंसिव बहुत, मतलब रीज़नेबल फिर भी है इन अ वे, खूबसूरत लगता है, नेचुरल चीज़ है, लेकिन थोड़ा हाँ शायद एक्सपेंसिव ना लग रहा है। अब यहाँ हम बैठे खाना खा रहे हों, गेस्ट हों, तो कंप्लीट प्राइवेसी और हसीन माहौल। प्राइवेसी फॉर ब्यूटी, घर में इतना अच्छा लगता है ना ऐसे लगा हुआ। मैं आपको किचन का भी दिखाती हूँ। किचन से देखिए आप इसका व्यू, ये मैंने किचन पे लगाया है। तो किचन से बहुत प्यारा लगता है। गेस्ट रूम से भी वही व्यू है, यानी पीछे ब्यूटिफुल, isn't it? लगता है कि जैसे कोई पेंटिंग है पीछे लगाया हुआ है, लग समझ नहीं आता पीछे क्या लगाया हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा है। अब आपको बताएंगे हम तमाम फैक्ट्स दैट यू नो सो फार अबाउट द बांस की बांस बैम्बूज। तो सबसे पहले तो ये कि ये प्रोटेक्शन देती है आपको अगेंस्ट सनलाइट, अगेंस्ट और क्या, ठंडा रखती है जगहों को, दीवारों को ठंडा रखती है। क्या दीवारों को ठंडा रखती है, और इसकी ना एक जो ऑर्गेनिक लुक है ना, ऑर्गेनिक लुक, लेकिन आपके लिए मैं मार्केट कर रहा हूँ, इसकी जो ऑर्गेनिक लुक है वो बहुत सूदिंग होती है, आंखों को ठंडा रखती है। एक जैसे नहीं आप किसी स्पा में होते हैं, आप जाते हैं और जिस तरह नादिया हर 5 मिनट तो मुझे थाईलैंड लेके जाती है बगैर किसी वीजे के। स्वादिका क्या, हाँ स्वादिका कहते हैं, पैसे लगते थाईलैंड नहीं गए, इसका ना बहुत अच्छे हैं ये, बहुत जबरदस्त करेक्टर है इनका, प्योर प्योर थाईलैंड में क्या सके अच्छा, थाईलैंड में कुछ भी नहीं है, बस रसीदें संभाल के रखे किसकी, हर चीज़ की। मैं जो जेंट्स हजरात हैं भाई साहब वो मुझसे एग्री करेंगे इस बात की, सुना है हाँ। तो एनीवेज, तो दो इसके ये काम हो गए। अब इसको लगाने के 2 तरीके हैं, एक तो ये कि आप पूरी वॉल पे लगाएं, खासतौर पे अगर वॉल गंदी हो, जैसे हमारी वॉल बहुत खूबसूरत है, कलर बहुत प्यारा है, इसलिए हाफ एंड हाफ अच्छा लग रहा है। ये तो एक वजह है, दूसरी वजह ये कि इस वॉल का कलर मैंने सेलेक्ट किया था, मैंने सिर्फ मैंने सेलेक्ट किया था, इसलिए वो नज़र भी आना चाहिए था। नंबर 2 जो इसके नुकसान हैं ना पूरी वॉल पे करने का, वो ये था कि ये एक्चुअल में थाईलैंड बन जाना था। हाँ नहीं, मैंने देखा फुल वॉल इतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी हाफ वॉल जो है उतनी प्यारी लगती है। टोटल हमारा खर्चा तकरीबन, हमने सामने की वॉल को छोड़ के बाकी 1, 2, 3 वॉल्स के ऊपर लगाया, तो इट्स ऑलमोस्ट 50 to 60,000 रुपीज़। अभी मैंने टोटल नहीं किया, थोड़ा सा काम रहता है, क्योंकि देखें इसको अच्छी लगाने की जगह कौन सी होती है, एक तो प्राइवेसी क्रिएट होती है, दूसरा ये कि आपकी जो पीछे गलियाँ नहीं होती, जो गलियाँ होती हैं गलियाँ, उसके अंदर आप लगाएंगे तो अगर आप ऐसे लैंडस्केप क्रिएट करते हैं तो एक तो वैसे ही बहुत सूदिंग होता है, ऑर्गेनिक लुक होती है, थोड़ा डेप्थ बढ़ जाती है। मुझे पता है बाकी लगता है जैसे ट्रांसफॉर्म हो गया घर, मैं एंटर हूँ तो मुझे लगा जैसे
एक अलग सी लुक घर की आ रही है, इट इज सो ब्यूटीफुल, और मुझे कर्टन लगाने की अब जरूरत नहीं है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। क्यों? मुझे हाँ नहीं है ना, नहीं है, नहीं, नहीं। हमारे पूरे ग्राउंड फ्लोर पे इसका व्यू आ रहा है, मतलब एटलीस्ट किचन, मास्टर बेड, गेस्ट रूम और डाइनिंग रूम सब पे, और ये तो बहुत ही हसीन लग रहा है। फिर आपको बहुत सारे प्लांट, बहुत सारी चीजें, फाउंटेन शाउंटन करने की जरूरत नहीं, फाउंटेन पे बहुत खर्चा आता है, हमने वो नहीं किया, हमने फाउंटेन सब एक अंदर एक ड्राइंग रूम में हमने कोई नहीं इंस्टॉल की, और ना मैं क्यारियां बना रही हूँ, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और जो फाउंटेन था जो नादिया ड्राइंग रूम में था, आज वो उल्टा हुआ हुआ था जो मैं ड्राइंग रूम में सो गया। हां जी, किसने किया? किंग तो मेरे साथ पहले का हुआ, माजी बई भी हुआ होगा, काफी पहले हुआ होगा। ख्याल रखिएगा कि जो ये वॉल है ये सही बैम्बूज इसमें यूज हो, नए वाले उनको पहले से अगर उसमें टर्माइट हुई तो नहीं, वो तो आप चेक देख के लेंगे ना चीज, ऐसे तो नहीं होगा। टर्माइट क्या करती है, पाउडर से बना देती है, और बैम्बू एक तो टर्माइट से मेरी बात हुई थी तो टर्माइट ने मुझे कहा कि जो बैम्बू का जो मटेरियल होता है ना वो बड़ा स्वीट होता है, वो मजे का होता है, बहुत मजे का होता है, यम यम करके करके खाना। तो वो अच्छा, ये उसके बाद ये की कोशिश करेंगे वो यही ला के असेंबल करें, हमारे वो बना के भी लाए थे, वो वॉल भी उन्होंने लगाई और एक एक उन्होंने इंस्टॉल किया। आई थिंक एक एक से फायदा रहा कि वो स्ट्रेट थे, थोड़े से डिंगे पटिंगे भी हो रहे थे, हमने कहा ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, अगर आप स्ट्रेट रखेंगे तो सही, स्ट्रेट वॉल मुश्किल होती है, और बस कहीं भी आपको लगे कि आगे पीछे अच्छा कभी उठा देते हैं, ये भी थोड़ी सी गड़बड़ की थी उन्होंने मजदूरों ने, कि थोड़ा सा जो बैम्बू वाले थे उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की कि उसको उठा के लगा दिया, चलो जी जा रहे हैं। मैं कहा कैसे जा रहे हैं, मैंने कहा बाजी ठीक है यार, और बाजी ठीक नहीं है, बाजी को सब पता है। तो फिर और पेमेंट हमेशा आधी पहले करें, फिर बीच में कर दें, फुल पेमेंट कभी भी किसी काम के लिए आप ना करें जब तक काम हो नहीं जाता, ये मैं तो समझती थी, उनको सिखाया बड़ी मुश्किल से। ओह कितने अच्छे लग रहे हैं। बैम्बूज का एक नुकसान भी होता है कि याद रखें कि इसके अंदर छिपकलियाँ अपना घर भी बना लेती हैं, और इस वक्त नादिया बड़ा खुश हो रही हैं, दरवाजे खोले हुए हैं, खिड़कियाँ खोली हुई हैं, बैम्बू सामने लगे हैं, अभी कुछ कभी ऐसे कोई चीज यहाँ पड़ी होगी ना, ऐसे कभी यहाँ ये चेक करें, ये चेक करें कितना ऐसे, ये देखिए ये ऐसा जो है लग रहा है इस वक्त कमरे के आप एंटर जब मैं होंगी तो कितना बुरा लगता है। देखिए देखिए अगर मैं एंटर होती हूँ तो कितना बुरा व्यू आ रहा है, ये चेक करें कितना अगली लग रहा है, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते, ये उनकी मर्जी, साथ वालों का घर है, उनकी खुशी, लेकिन हम अपने व्यू क्यों क्या करें। ये इतना खूबसूरत कर रहे हैं ना, ऊपर से सब प्राइवेसी खत्म, प्राइवेसी मतलब ठीक होगी, बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, जबरदस्त, बेहतरीन साइज। इतना ज्यादा नहीं काटना, फैसल ईमान से लग रहा है कि थाईलैंड में आप बैठे हैं। तो ऐसे भी पौधा आ जाए ना सामने, ये लग रहा है आप थाईलैंड में, ये बैम्बूस पे कोई छिपकली नहीं आती, बैम्बूस पे छिपकलियां बहुत ज्यादा क्योंकि ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ये ठंडा होता है। क्या गूगल पे दिखाएंगे? मैं नहीं मानती इस बात, मैं नहीं मानती कि बांस के ऊपर छिपकलियां आती हैं, ऐसे कहां होता है। आपको ऐसे काफी क्रीचर्स नजर आएंगे पीछे गली में, तो उनको फिर ये देखें,
लिखा लिजर्ड ऑन बैम्बूज, ये तो नहीं कहा के बैम्बूज हाउस ऑफ लिजर्ड। हां हाउस ऑफ लिजर्ड ये देखें यार, आपको मतलब क्या क्या लाकर दिखाऊं मैं। हां वो तो इमेजेस हैं। चल चल बिल्कुल बिल्कुल, अब दीवारों के लेफ्ट राइट होंगे फिर आप देखिए। ये क्या है, ये इसका स्टिकर है कैमरे का, क्या करो आप छोटी छोटी बातों पे ना ध्यान ना दिया करें। सुने सुने तो बहुत हैंडसम, मेरी नजर से देखे अपने नजर ही ठीक नहीं आते हैं, ऐनक पहनी नहीं है। क्या मेरी नजर खराब है, क्या कर रही है? आई मेरा काजल फेंगल गया यार, चेक करें जरा। तो ये वो वाकई वाला थाईलैंड नहीं है ना, फील वाला थाईलैंड है, लेकिन खूबसूरत बहुत लग रहा है। फैसल जो बात है, हमारी प्राइवेसी कितनी हो गई है, पहले कैसे लग रहा था और अब देखिए माशाल्लाह जो लगने वाला है, आपकी सर्च है। सही कह रही है आप, बिल्कुल सही फरमा रही है। अच्छा अभी जिस तरह मैं वीडियो बना रही हूँ ना, आपको कितने सुकून से देखे कैमरा, अभी ये फैसल बना रहे होते तो ये वीडियो कैसी होती। जी नादिया बोले। ये अब ये सब हजरात देख लें जिस वीडियो में, आप मुझे जरा ये सब बताइएगा, जितनी वीडियोस बनी है बाहर, जो दुबई में बनी है और जहाँ बनी है, वहाँ कौन बना रहा था? वो जो इतने थे लाखों आपको व्यूज आए हैं इसके, वो कौन बना रहा था? वो दूसरा कैमरा था। कौन सा कैमरा? फोन से आप ऐसे बनाते हैं, ये वाली बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मुकाबला हो जाए, आए आए ना आप। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फाइनल थाईलैंड वाली लुक जो आ रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है, घर में बाकी भी काम हो रहा है। आए आपको दिखाओ अलीजे, अब आपको दिखाती हूँ द फाइनल लुक। क्या खूबसूरत लग रहा है, सफाई भी हो रही है। करते हुए खास हमने इस बात का ख्याल रखा कि जो हम वीडियोस बनाएं उसमें खूबसूरती हो, हर कॉर्नर में कुछ हसीन प्यारा सा हो। और वही बात है कि अपने हाथ में था, खुद डिज़ाइन कर रहे थे, अपना घर था, तो माशाल्लाह हमने बहुत ऐसी ना ब्यूटिफिकेशन का ख्याल रखा। मुझे लगता है कि मैं हर जगह ना यूट्यूब वीडियो बना सकती हूँ, बहुत खूबसूरत विद लवली बैकग्राउंड्स। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 50 to 60,000 फ्रंट वॉल छोड़ के, सामने किचन और सारी बाउंड्री वॉल को जो है ना उसको लगाने में मेरा खर्चा आया है। बट अगर सिर्फ रूम के आप अगर 12 फीट की बात करें, मैं आपको आइडिया देती हूँ, 12 टू 13 फीट आपकी विड्थ हो और हाइट आप समझे 3 फुट की, जो मेरे कमरे की वॉल थी, उसकी मुझे कॉस्ट आई ट्रांसपोर्ट वगैरह सब मिला के 7,000 रुपीज़। तो अब आपने देखना है कि आपके एरिए की ये लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, हाँ ये चौड़ाई होता है, एंड विड्थ एंड द हाइट। अब ये 4 फीट है, देखें घर उसके ऊपर है, घर यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो हमने इतनी इसकी यहाँ तक ये 4 फीट है। अब वो इफेक्ट नहीं आएगा कि अगर आपके गार्डन की दीवारें वो पुरानी गंदी वाइट हो, पेंट नहीं हुआ हुआ, तो और वाइट पे इतना उठता भी नहीं, मैं आपको बताऊँ, आप या तो पूरी वॉल पे बैम्बूज लगा दीजिए विद सेपरेशन, इसको आप कर दें 8 फुट 10 फुट 12 फुट, ताकि दीवार के साथ साथ सेपरेशन भी क्रिएट हो जाए। या फिर जिस तरह मैंने किया हुआ है कि हाफ वॉल है और वॉल का कलर कितना खूबसूरत है ब्राउन में, उसके ऊपर हाफ यानी इतनी वॉल और हाफ इतनी वॉल है, इसके ऊपर 4 फुट का हमने बैम्बूज के साथ सेपरेशन के लिए वॉल बनाई है। तो दोनों केस में फिर आपको अच्छा खूबसूरत नज़र आएगा। साथ में प्लांट ज़रूर रखें, प्लांट्स रखने बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखें ना बैम्बू इफेक्ट ये कम्प्लीटली प्लांट्स के साथ होगा, सो यू नीड टू हैव नाइस प्लांट्स ऑल्सो। अभी शाम को मैंने वीडियो बनाई है, अभी दिन में भी थोड़ा सा बना के दिखाएंगे ऐसा लगता है। जाता है खेलने फिर वापस आने का नाम नहीं लेता। किधर है बेटा, किनू कहाँ है, किनू किनैनीस किनू किनैनीस आई किनू।
क्या नबी तो आयो बेटा, खुदा का खौफ करो। ये स्पेशल किनो का स्कूटर है, अब आप देख के इसको डर गए होंगे कि पता नहीं ये स्कूटी चलाता है, 2 साल का बच्चा स्कूटी चला रहा है, नादिया को क्या हो गया। तो ये ग्लोबर जो एक कंपनी है, इसका मैंने दुबई में देखा जाके कुछ अर्सा पहले, कि हर छोटा बच्चा, मतलब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप हर छोटा बच्चा 1-1.5 साल से लेके ऊपर 3-4 साल के हर बच्चे के हाथ में ये होता है, ये क्योंकि ये स्कूटी बनी छोटे बच्चों के लिए। तो ये ग्लोबर है कंपनी जिसके है ही टॉडलर्स के लिए ये स्कूटी बनी है। ये गिरती नहीं है, ये हैवी है, इट इज़ अमेजिंग। मुझे था कि हर बच्चे के क्यों पास है यूएई में, और ये मैंने ख़रीदी थी जब क्यान वॉज 1 ईयर ओल्ड, और उसने कुछ अभी 1.5 साल का जब से हुआ है ऐसा चला रहा है, और अभी 2 साल में, 2 साल का जब से हुआ है तब से ज़बरदस्त चला रहा है। या एगो, येगो क्या होता है, येगो। ओके क्यान बताओ जरा, मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, चलो। इसमें भी खटना थोड़ा सा इधर आना बेटा, इसकी पिक्चर ले लो। क्यान कमी क्या आउटस्टाइल से सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल, आउटस्टाइल से क्या होगा बेटा सब्सक्राइब करने का भी को। ये बिस्मिल्लाह गिन गिन, टर्न कम बैक, कम बैक इनू, कम बैक प्लीज, come to me, what udo। तो आप सब्सक्राइब कीजिए टू आउटस्टाइल, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, और क्या आप भी अब अपने घर में बाउंड्री वॉल्स पे फुल बैम्बू लेंथ या ऐसे हाफ एंड हाफ लगाएंगे, तो दीवार अच्छी सी खूबसूरत कलर करा लीजिएगा, बताएं आप क्या करेंगे, हमें पिक्चर लेके दीजिएगा। टेक केयर। ये थी हैक्स हमारी, किसकी ये जो गलियां होंगी उनको साफ सुथरा रखने की, और गलियों में गंद होना मुझे बहुत बुरा लगता है। बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं फैसी का बच्चे हम चाहते हैं कि ये नंबर 1 फैमिली यूट्यूब चैनल बन जाए, तो प्लीज हेल्प अस मेक आर ड्रीम कम ट्रू, और थोड़े से हम दूर हैं 1 मिलियन से, तो प्लीज सब्सक्राइब। कैसे पगला गए हैं आप।